हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड पैराशूट ट्रेनिंग शो। पैराशूट वर्क्स व्हेन इट इज ओपन, सो हैज माइंड। व्हेन इट्स ओपन देन ओनली इट वर्क्स। सो क्या है, बहुत बार हम एजुकेशन के बारे में बातें करते रहते हैं और बातें करते करते ऐसे भी दिमाग में ख्याल, कुछ रिवॉल्यूशन होना चाहिए, जो चल रहा है उससे थोड़ा कुछ हटके होना चाहिए। जैसा सब लोग करते हैं वही हम करेंगे तो कैसा चलेगा, ऐसे बहुत बार अपने दिमाग में ये ख्याल आता है। और बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा ये ख्याल पे काम करते हैं और कुछ नया हासिल करके दिखाते हैं। तो आज का हमारा जो शो है वो भी इसी धारणा पे आधारित है, इंटीग्रेटिंग वाइल्ड लाइफ या नेचर इन एजुकेशन। ऐसा एक अजीबो गरीब ख्याल किसी के मन में आया और उन्होंने कुछ अलग ही कर दिखाया। मुझे बहुत आनंद मिल रहा है, मेरे बहुत ही काबिल दोस्त निकिता पिंपले इनको इस शो पे आमंत्रित करने के लिए। निकिता, वेलकम ऑन माइंड पैराशूट ट्रेनिंग शो। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप एकदम हटके काम कर रहे हो, एजुकेशन सेक्टर में कुछ नया कर रहे हो और ये शो उन्हीं के लिए है जो कुछ हटके कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी। तो आप जो काम कर रहे हो काबिले तारीफ है। दोस्तों, निकिता का इंट्रोडक्शन इतना अच्छा है, मैं भी पढ़ूंगा उनका इंट्रोडक्शन, यू विल बी हैप्पी। मतलब जो काम निकिता कर रही है वो एकदम अलग तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे हमारे ऋषि महर्षि लोग कर रहे थे इसी प्रकार का काम निकिता कर रहे हैं। करेक्ट निकिता? ट्राइंग सर। आपके स्कूल का नाम भी ऋषि वाल्मीकि स्कूल है, एम आई राइट? यस यस। सो फ्रेंड्स, निकिता इज एजुकेशनिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट। She is a founder and principal of Rishi Valmiki Eco School at Goregaon West, Mumbai, which aims to provide quality education with an emphasis on environmental conservation to the students from weaker financial group of society. This is very important. She is working for underprivileged people or for the weaker section financial group of the society. Nikita has created an extensive wildlife story-based curriculum called One. निकिता, आई एम सो एक्साइटेड, आपने इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज किए हैं, ऋषि वाल्मीकि वन, एंड इट इज गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। सो शी इज कनेक्ट गोइंग टू कनेक्ट चिल्ड्रन विद नेचर एंड एम टू अ फ्यूचर ग्रीनर जनरेशन। फ्यूचर ग्रीनर जनरेशन, माइंड दिस वर्ड, शी इज टारगेटिंग टू क्रिएट फ्यूचर ग्रीनर जनरेशन। अमेजिंग आपका विजन, आपका मिशन, हैट्स ऑफ टू दैट। Her wildlife stories has been published in print media, The Hindu. The Hindu print medium ने भी उसका consider करके इनका काम उसमें सहारा है। She has completed her remedial teacher course and actively working with kids who are finding difficulty to perform according to their grade. She has received an award, Change Maker for Indian Youth, by Inner Wheel Club of Bombay Central in 2016. So congratulations, Nikita, for winning this award in 2016. Thank you, sir. Thank you. She is recipient of the prestigious Sanctuary Asia Green Teacher Award in 2018. Amazing. Look, at this young age, trying something extraordinary and you are doing really, really good. So friends, today on this show, we are going to interact with Nikita. Nikita, जो ऋषि वाल्मीकि स्कूल की फाउंडर है और उसकी प्रिंसिपल भी है, और जो वाइल्ड लाइफ, नेचर, ग्रीनरी, ये सभी चीज के जो वन वन बना रहे, तो आई एम श्योर आज हमारे शो पे हम बहुत ज्यादा वन 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 देखने वाले। एंड माइंड यू गाइज, आज का शो अलग है क्योंकि करिकुलम टोटली अलग है, तो आपको डेफिनेटली हजार सवाल हो गए और निकिता इज रेडी टू आंसर माय क्वेश्चन एंड योर क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। निकिता इज चार्मिंग लेडी, स्वीट स्पोकन एंड डूइंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिफरेंट वर्क। सो डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, इंटरेक्ट विद निकिता डायरेक्टली, पुट योर कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स
I'll be very happy to read your comment and ask your queries to Nikita on this live show. Also, I request all of you to please subscribe to YouTube channel of Mind Parachute Training and follow Mind Parachute Facebook page. Thank you. So, Nikita, how are you feeling coming on Mind Parachute Training show? कैसे लग रहा है आपको? आपसे बात करके अभी मुझे बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा है. सो आई एम वेरी एनर्जेटिक एंड आई एम ऑल्सो वेरी मच यू नो इंटरेस्टेड टू आंसर योर क्वेश्चंस बिकॉज आई एम श्योर योर क्वेश्चंस वुड ऑल्सो बी वेरी डिफरेंट. सुपर, इतना मजा आने वाला है क्योंकि कुछ चेंज में कर. देखो, मैं रियल एस्टेट में वीकेंड होम सेलिंग करता हूँ जो नेचर में है, नॉट इन कॉन्क्रीट जंगल. तो हम बंजर जमीन को एकदम अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म करते, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड करके वहां पे फूड फॉरेस्ट या यू नो फ्रूट्स और फ्लावर फॉरेस्ट जैसे थीम हम लोग बनाते हैं, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करते हैं. और आप भी ग्रीन जनरेशन जनरेट करने के लिए एफर्ट डाले तो आपका और मेरा जो माइंडसेट है वो ऑलमोस्ट मैच कर रहा है. सो आई एम सो एक्साइटेड एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वाचिंग. तृप्ति पिंपले, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस शो लाइव. पवन, थैंक यू फॉर वाचिंग. तृप्ति पिंपले इज सेइंग शी इज वेरी काइंड एंड हेल्पफुल. थैंक यू. अच्छा, शी इज योर सिस्टर, दैट शी इज क्लेमिंग दैट यू लक्की फॉर आवर सिस्टर. So good. So Nikita, आप जो ये काम कर रहे हो, ये आपको करने का मन क्यों किया? मतलब ये ऐसा अलग तरीके से करिकुलम बनाने का आपको कब सूझा? क्यों ये ऐसा आप कर रहे हो? What is the motive behind it? Motive is basically I was connected a lot with nature. It's because of my teacher, Dr. Parvish Pandya. He's ex-principal of vice-principal of Bhavans College. So he used to take us for nature trails. He used to take us for a lot of camps and everything. So that's how I fell in love with nature. So when I became a teacher and when students came to me, I felt that even as I love nature, my children should also love nature. Because when we will love it, then only we will feel like protecting it. So this is how. There was no thought earlier, there was no plan earlier. It was just that I started teaching students and I saw that children are very much interested in learning about nature. They got connected with nature, and that time I realized that we are part of nature, and that's why every individual get fascinated to know about nature. So this is how then within 2 or 3 years we realized that kids are enjoying it, and then gradually we develop syllabus and all other things. But the main motive behind it was my love for nature, and then we wanted to save and conserve environment, and wanted my children also to understand this, that conservation of environment is very, very important. And being a younger generation, friends, I want to show some wonderful thing what Nikita, what she's saying, she means it. I mean, ऐसे नहीं कि शो पे आके बात करना है इसलिए बात कर रहे हैं. तो वो जो काम ऑलरेडी कर रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं कुछ काम दिखाना चाहता हूँ. यू कैन सी हर वेबसाइट, यू नो शी इज टेकिंग चिल्ड्रन टू नेचर. मतलब अलग तरीके से उनको ट्रेनिंग किया जा रहा है. पूरा का पूरा करिकुलम जो वन इन्होंने जो नाम दिया है, पूरा का पूरा करिकुलम टोटली डिफरेंट है. तो आई एम सो एक्साइटेड टू नो, मतलब अलग अलग चीजें ये बच्चों के साथ ट्राई कर रहे हैं. गेम्स होते हैं, साइंस होता है, बट ये कुछ हटके है. इट इज नॉट रेगुलर काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम. सो निकिता, आपने ये करिकुलम बनाया कैसे और इसका नाम वन क्यों रखा है? सो वन मीन्स फॉरेस्ट, जंगल, एंड वी स्टैंड्स फॉर वैल्यूज, ए स्टैंड्स फॉर एकेडमिक्स, एन फॉर नर्चर एंड एन फॉर नेचर. सो हमारे वन प्रोजेक्ट के अंडर हम चारों चीजें कवर करते हैं, नेचर भी, नर्चर भी, नर्चरिंग नॉट ओनली नेचर बट नर्चरिंग चिल्ड्रन ऑल्सो एंड अकेडमिक्स. अकेडमिक्स ऑल्सो एंड नेचर इज कम्बाइंड. सो हम करते क्या, मैं बताऊंगी. इट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग. सो स्टोरीज सबको पसंद है, राइट? स्टोरीज, एवरीबडी लव स्टोरी. सो वॉट वी डिड इज फॉर एवरी स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड टिल सेवन स्टैंडर्ड, फॉर एवरी स्टोरी वी हैव रिटन, फॉर एवरी स्टैंडर्ड वी हैव रिटन 15 स्टोरीज. और ये स्टोरी जैसे हमने पंचतंत्र पढ़ा था बचपन में, राइट? कि पंचतंत्र में एनिमल स्टोरीज होते थे और उसमें से वैल्यू एजुकेशन होता था. पर वो ओल्ड पंचतंत्र है, हम इसको मॉडर्न पंचतंत्र बोलते हैं. इस वन प्रोजेक्ट के अंदर हमने नई स्टोरीज बनाई है जो भी एनिमल रिलेटेड है, लेकिन रियल एनिमल्स को लेके है.
एनिमल्स की रियल लाइफ, वो कैसे रहते हैं, वो कैसे नेस्टिंग करते हैं, क्या फीडिंग करते हैं, उस बेसिस पे हमने ये स्टोरीज बनाई हैं. और ऐसे हर ग्रेड में 15 स्टोरीज है, और टोटल स्टोरीज अराउंड 40 टू 50 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स कवर करते हैं. सो जब तक आप सोचो कि बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में ये पढ़ना शुरू करता है, जब तक सेवेंथ में पहुंच जाता है, तो कितनी सारी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के बारे में उसने नॉलेज गैदर किया होगा. सो वन प्रोजेक्ट के अंडर ये हमारा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मोटिव है कि बच्चे जाने कि नेचर क्या है. बस मेरे घर के सामने दो पेड़ दिखते हैं और थोड़े से पंछी दिखते हैं, वो नेचर नहीं है. नेचर उससे बहुत ज्यादा है और वो हमें बहुत कुछ सिखा सकता है. तो ये मोटिव था. और अगर हम लेक्चर दे तो बच्चों को डेफिनेटली, बच्चे क्या बड़े भी यू नो बोर हो जाते हैं. सो वी डिसाइडेड कि हम लेक्चर थ्रू नहीं जाएंगे, स्टोरीज थ्रू जाएंगे. एंड आई टेल यू कि स्टोरीज से इवन थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे जिनका अटेंशन 10 या 15 मिनट होता है, बिकॉज ऑफ स्टोरीज वी कैन स्ट्रेच अप टू 40 मिनट्स तक उनका अटेंशन होता है. और एनिमल स्टोरीज है तो फर्स्ट होता है कि हमें सुनना ही है. तो वन प्रोजेक्ट के अंडर ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने अपना करिकुलम ऐसे क्रिएट किया है. उसके साथ हमारा जैसे स्कूल में एग्जाम्स होते हैं, राइट, स्कूल में यूनिट टेस्ट होते हैं, सेमेस्टर होते हैं, तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे कॉमन सब्जेक्ट होते हैं. हमारा एक एडिशनल सब्जेक्ट है वाइल्ड लाइफ, और अच्छा. उसके एग्जाम देते हुए बच्चों को बिल्कुल टेंशन नहीं होता है. सो वो एक एडिशनल टेस्ट भी होती है, और रिजल्ट में हाउ मच इको फ्रेंडली यू आर उसको भी मार्क्स होते हैं. सो ऐसे ये वन प्रोजेक्ट के अंडर हमने नेचर कंजर्वेशन के लिए ये प्रोजेक्ट हमने डिजाइन किया है. जैसे आपने बताया कि अलग अलग वाइल्ड लाइफ यू नो एनिमल्स लेके आप उसको एक स्टोरी में डालते हैं. एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ जो आपके वेबसाइट पे ही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सो दिस इज अ स्किट डन ऑन फ्लेमिंगोस. सो फ्लेमिंगोस के बारे में आपको पता होगा कि गुजरात से फ्लेमिंगोस माइग्रेट करके मुंबई में आते हैं, एंड अतिथि देवो भव ऐसे हम कहते हैं. लेकिन एक्चुअली फ्लेमिंगोस के बारे में वैसे होता नहीं है, उनको बहुत स्ट्रगल होती है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन थिंग हैपेंड जहाँ पे वो आते हैं. तो और पॉल्यूशन की वजह से, बिकॉज दे यू फाइंड देम नियर वाटर, और वाटर पॉल्यूशन की वजह से इन बर्ड्स को बहुत तकलीफ होती है. तो ये स्किट में हमने पूरे फ्लेमिंगोस की फीडिंग कैसे होती है, फ्लेमिंगोस की नेस्टिंग कैसे होती है. बच्चा जब फ्लेमिंगो होता है तब वो ग्रे कलर का होता है, जब बड़ा हो जाता है तो पिंक होता है. फिर पिंक क्यों होता है? क्योंकि वो कुछ स्पेशल एल्गे खाता है, उसकी वजह से वो पिंक होता है. तो पूरे स्टोरी में हमने ये कवर किया था विद दिस थीम कि अतिथि देवो भव. सो जो वो मुंबई में आते हैं तो हमें उनका ख्याल रखना है. So, तो क्या स्टैंडर्ड के बच्चे थे ये जो स्किट में पार्टिसिपेट जिन्होंने किया था? तब सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड के थे ये. और आई विल टेल यू, उसमें से एक बच्चा अभी 10th पास आउट हो चुका है. एंड सर, ही इज अ नेचुरलिस्ट. ही कंडक्ट्स ट्रेल्स एनीवेयर इन मुंबई. सो ही हैज बिकम अ नेचुरलिस्ट नाउ. ही इज विल गो इन 11th, बट ही कंडक्ट्स नेचर ट्रेल्स. वाओ, सेम गाय हु डज इन गोरेगांव विश आरए में जो नेचर ट्रेल करवा रहा है, सेम गाय? नहीं, ये नेशनल पार्क में ही गोज एंड कंडक्ट ट्रेल. सो देयर आर लॉट ऑफ अदर चिल्ड्रन आल्सो हु आर एसोसिएटेड विद संजय गांधी नेशनल पार्क एंड कंडक्ट वॉक्स. वाओ, सो मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स आर वाचिंग दिस शो. कैप्टन बाला वीर चक्र अवॉर्डी, ही इज वॉचिंग आवर शो. थैंक यू सर. समटाइम बैक वी हैड अ वेरी लाइव डिस्कशन अबाउट अवर बिलव्ड नेशन इंडिया, भारत, एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू आर वॉचिंग दिस शो. गुड टू बी हियर. थैंक यू. अवर कॉमन फ्रेंड अनिता, बिकॉज ऑफ हुम वी आर डूइंग दिस शो, शी इज वॉचिंग इट. अनिता इज सेइंग, Nikita is one of my favorite educator. Their teaching methods are very, very unique. Yes, we are experiencing, because whatever I'm showing on screen from her website and whatever she explains means a lot. It's totally different. मैं अभी महसूस करना चाह मुझे हो रहा है कि मैंने ये शो निकिता के साथ इतना लेट क्यों किया. ये पहले ही कर देना चाहिए था बिफोर न्यू एजुकेशन पॉलिसी वॉज अनाउंस, क्योंकि निकिता इज डूइंग समथिंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम. बहुत पहले से निकिता वही काम कर रही है जो अभी नया एजुकेशन सिस्टम में शायद इंप्लीमेंट किया जाने वाला है. तो वो जब होगा तब होगा, बट इसका इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी ऋषि वाल्मीकि स्कूल गोरेगांव में जो है, मुंबई में, वहां पर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेशन हो चुका है. वाओ, आई एम सो हैप्पी. नेक्स्ट इज नीलिमा संघे. निकिता इज द बेस्ट टीचर. थैंक यू. So there are so many people watching this show, and I'm going to take their questions and their comments as we progress. So, मुझे ये पूछना है आपको कि wildlife integration academics में integration करने की आपको ये जो idea आई है, ये जो importance है, ये आपको क्यों महसूस हुआ कि ये करना चाहिए? कब और कैसे आपको ये सब लगा? Yes, it is
I think this pandemic is the best answer to this. Okay, this pandemic must have corona pandemic must have taught everyone that how much it is important to take care of wildlife and nature. And every year nature is giving us some sign. These floods and increasing number of floods at various places is giving us sign. So if we want our future generation, which is going to be taking care of this planet, if we want them to be sensible person who take care of nature, who will come with policies, who will take their work ahead, keeping in mind that nature is the priority. They will think about sustainable development. They can be teachers, they can be engineers, doctors, they can be in hospitality, they can be politicians. In whichever field they go, they should be thinking about sustainable development. Then only it is possible that we can save our nature and environment. So with this thought, we thought if we want future generation to be eco-friendly, then we can teach them only when they are kids. We can connect them with nature when they are small, they are young, and in the school. So I use the word connect. I did not use the word we should educate them about nature. Connection and education different. So we need to connect them with nature now so that once they grow up, they can protect this nature. And one more thing is in education, there is important priorities to academic studies, because achhe marks milenge, fir achhi job milengi, fir achhi salary milengi, so we can survive. Then comes physical education. Then comes this art, drawing, dance, everything. Nature is not at all priority. But just tell me that for our survival, salary is important. But for our survival, fresh air and nature is more important, right? So nature has to have equal importance with this academics, equal importance. That's what was our thought. And that's why we have equal importance to wildlife education with academics. And this is how I feel that wildlife education is very much important to be the part of education. Super. तो मुझे एक बताइए, आप इतने सालों से ये जो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कर रहे, आपका जो करिकुलम है वन, इस करिकुलम के साथ में आप जो भी नया एक्सप्लोरिंग कर रहे हो एजुकेशन पैटर्न में, तो इसका ओवरऑल इफेक्ट इम्पैक्ट आपके बच्चों पे कैसे हो रहा है? Yes, so there are many things, but I'll pick up some things to give you example. So first thing, if you pick up any random child from my school and ask, what do you like the most in the school? Sabse zyada kya pasand hai? So every second child will tell you that ki mujhe nature education ya fir animal ki studies karna pasand hai. So I think that's the first impact ki padhai ke bare mein interest nirman hona. वो इंटरेस्ट जनरेट होना ये नेचर एजुकेशन ने किया है हमारे स्कूल में. एंड एज यू करेक्टली सेड दैट बच्चे कम्स फ्रॉम अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड, जहाँ पे ऑलरेडी वो बहुत स्ट्रगल लेके आते हैं, तो जब स्कूल में आके इतना अच्छा माहौल हो, ये नेचर एजुकेशन के बारे में पढ़ते, तो वो सब भी भूल जाते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल इज नाउ ड्यूरिंग दिस कोविड, माई मेनी चिल्ड्रन हैव बीन माइग्रेटेड टू देयर नेटिव प्लेसेस. वहां से बच्चे कनेक्टेड है इधर थ्रू व्हाट्सएप और फोन कॉल्स, और वो क्या कर रहे होंगे वहां पे, आप सोचो. वो वहां पे बर्डिंग कर रहे हैं, पंछी देख रहे हैं और उसके फोटोज भेज रहे हैं कि मैम इसका आईडी क्या है, कि या ये बर्ड मैंने देखा, इसकी मेल देखी, इसके फीमेल देखी, इसका नेस्ट देखा. सो यू कैन थिंक व्हाट अ वंडरफुल हॉबी चिल्ड्रन हैव गॉट. एंड इसकी वजह से सारे लाइफ स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, ऑब्जर्वेशन, क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग अमंग चिल्ड्रन. सो दैट्स द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, आई वुड से कि दे आर डेवलपिंग इन दैट लाइफ स्किल्स. एंड एम्पथी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जानवरों के बारे में, और जो जो लोग जानवरों से प्यार करते हैं या जो लोग नेचर से प्यार करते हैं, वो इंसानों से भी प्यार करते हैं. सो ये जो एम्पथी है ना, वो बच्चों में बहुत बड़ी है नेचर एजुकेशन की वजह से. और बाकी देर आर मेनी अदर थिंग्स लाइक नॉलेज. नॉलेज इज बिगेस्ट थिंग व्हाट माई चिल्ड्रन हैव गॉट. सो अगर वो जैसे ही प्रीमाइसेस के बाहर जाते हैं, तो जितने भी ट्रीज है प्रीमाइसेस में, ऑल माई सेकेंडरी सेक्शन चिल्ड्रन नो द नेम ऑफ द प्लांट्स और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है. तो ये जो नॉलेज है, वो उनको बहुत ज्यादा साइंस और ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट्स में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है. बिकॉज व्हाट इज देयर इन 8-9, उससे ज्यादा ही उनको ऑलरेडी बॉटनी और जूलॉजी का पता है थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड में कि क्या क्या है. सो दिस इज आई वुड से कि दिस इज व्हाट आई कैन सी इन माय चिल्ड्रन द इंपैक्ट. आप जो कर रहे हो वो रिवॉल्यूशनरी मेथड है एजुकेशन सेक्टर में. तो गवर्नमेंट का एक सिलेबस है, SSC बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, IGSE बोर्ड है, ऐसे अलग अलग बोर्ड्स हैं, ओके? आपने एक वन करिकुलम बना लिया है, सो आप कौन से बोर्ड को फॉलो कर रहे हो? आई मीन आपका SSC बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, उसमें आपने वन करिकुलम इंटीग्रेट कर लिया है, या आप सिर्फ वन करिकुलम ही करते हो
तो अगर वैसा करते तो फिर उसके एग्जाम कैसे होते, बच्चे आगे कैसे बढ़ते? आई वॉन्ट टू नो दैट, बहुत क्यूरियोसिटी मुझे ये जानने के लिए. So we follow a state board syllabus, अपना महाराष्ट्र state board syllabus we follow, and with that we have integrated one. So one is a separate subject with all the state board syllabus. This is extra. अच्छा, मतलब हर एक curriculum जो है state board का, SSC board का जो curriculum है, उसी को आपने first standard से लेके 10th standard में आप सिखा रहे हो वो सब, और additionally आपने one जो आपका customized curriculum है, उसको integrate कर लिया है. Is it correct? Yes, अब मुझे यहाँ पे एक बताना चाहता हूँ मैं कि बच्चे ऑलरेडी परेशान है पढ़ाई 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 इतने अलग अलग सब्जेक्ट करके, तो ये एडिशनल सब्जेक्ट लाने से आपको नहीं लगता कि बच्चों के ऊपर कुछ ज्यादा प्रेशर आ रहा है? प्रेशर आई थिंक लर्निंग इज इनहेरेंट, किसी को भी लर्निंग करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, कुछ नया सीखने में हर एक को मजा आता है. आप कैसा सिखाते हो और आप कितना प्रेशर डालते हो उस पर डिपेंड करता है. तो ये एग्जाम है और मुझे पढ़ाई करनी है, इस तरीके का प्रेशर बच्चों पे किसी भी सब्जेक्ट के लिए नहीं है, किसी भी नहीं मतलब अदर सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है. तो फिर वाइल्ड लाइफ का टेंशन तो बिल्कुल भी आने का सवाल ही नहीं होता. दूसरी बात, जैसे ये सारे सिलेबस है वो भी हम थ्रू एक्टिविटीज पढ़ाते हैं. सो एक तो गेम्स के थ्रू होता है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू होता है, या फिर स्टोरीज के थ्रू होता है. सो हमारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि हमारी टीचर्स तो स्टोरीज के थ्रू समझाती है तो मजा ही आता है. सो ये बच्चे खुद कहते हैं. तो मुझे मैंने तो कभी मेरे बच्चों What you're doing is it's a fun learning. Fun learning, yes, yes, yes. Fun yes. learning हो गया ये. आपके वेबसाइट पे मैंने देखा है कि बहुत सारे तरीके आप नए मेथोडोलॉजी आपके करिकुलम में डालने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके बारे में मुझे जानने की इच्छा है. जैसे कि आपके वेबसाइट पे दिख रहा है कि आप अलग अलग करिकुलम, वाइल्ड लाइफ करिकुलम इंक्लूड कर रहे हो, देन रेमेडियल प्रोग्राम कर रहे हो, को करिकुलम एक्टिविटीज कर रहे हो, यंग एजुकेटर्स आप कर रहे हो, पेरेंट एंगेजमेंट, मतलब शायद पिताजी है जो बच्चे की चोटी बना रहे हैं, इतना खूबसूरत फोटोग्राफ है, देन एम्पैथेटिक एनवायरमेंट. तो ये जो है इसके बारे में आप कुछ बताएंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग डिफरेंट. हर एक स्कूल अलग अलग करता है, आपने कुछ अलग किया हुआ है, तो हाउ, क्योंकि को करिकुलम एक्टिविटी तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी स्कूल में है, पेरेंट एंगेजमेंट प्रोग्राम भी होता है, बट यहाँ पे चोटी बनाने का अभी तक मैंने मेरे बच्चों के स्कूल में जाके चोटी नहीं बनाई है, ये कुछ अलग लग रहा है मुझे. सो यंग एजुकेटर, पेरेंट एंगेजमेंट एंड एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ के ऊपर तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है, तो ये तीन चीजों के ऊपर कुछ आप बता सकेंगे तो अच्छा. यस डेफिनेटली. सो सर, वी कॉल इट 360 डिग्री डेवलपमेंट, कि बच्चों के एकेडमिक के साथ बाकी सारी चीजों की भी डेवलपमेंट हो. तो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद पेरेंट एंगेजमेंट. यू करेक्टली सेड कि पेरेंट एंगेजमेंट बहुत सारे स्कूल में होता है, पर यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है. अलग ये है कि हमारा पेरेंट एंगेजमेंट की एक्टिविटी फोकस इस पे है कि बहुत सारे फादर्स या मॉम्स ऑल्सो दे आर अनेबल टू गिव टाइम टू देयर किड्स. तो हमारी एक्टिविटीज पूरी ऐसी हमने डिजाइन की होती है कि जहाँ पे मॉम या फिर डैड अपने बच्चों को समझे और बच्चे मम्मी पापा को समझे. तो जैसे बहुत सारे काम होते हैं जो पापा बिल्कुल भी नहीं करते, तो वो सारे काम उस दिन, बैग भरने का काम, चोटी बांधने का काम, तेल लगाने का काम, तो तेल बच्चे पापा को लगाते हैं. तो ये सारी एक्टिविटीज हम करती है बॉन्डिंग के लिए. और फिर ये एक हो गया, और दूसरा बहुत सारे गेम्स होते हैं जहाँ. मैं यहाँ पे ना एक्चुअली एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा. कि मेरी एक स्टूडेंट है, अभी 10th स्टैंडर्ड पास आउट हो गई, ये 8th स्टैंडर्ड में जब थी, तो उसके पापा को मैंने कभी भी नहीं देखा था स्कूल में. तो पापा घर पे रहते थे, काम में बिजी रहते थे, कभी भी स्कूल में नहीं आते थे. और उसका भाई या उन भाई की वाइफ, वही हमेशा स्कूल में आते थे, और हमेशा हर चीज के लिए उसको ना बोलते थे. एनुअल डे ना, पिकनिक ना, हर चीज के लिए ना. तो धीरे धीरे 3 साल हो गए थे उसको ऑलरेडी स्कूल में. तो धीरे धीरे ना मैं फोन करके बात करती थी उनसे कि पिकनिक के लिए भेजो, मैं खुद हूँ. तो एक बार उन्होंने मतलब भेज कैसे दिया मुझे भी नहीं पता, पर भेज दिया. अच्छा। और मेरे साथ वो आ गई. फिर जब फादर्स डे था, तो उसने कहा था मेरे पापा तो बिल्कुल नहीं आएंगे. पर इतने 3 सालों से जो बार बार का फोन था, पुश था, फादर्स डे के एक दिन पहले भी मैंने फोन किया कि प्लीज आप आइए, आपके बेटी को अच्छा लगेगा. आधा दिन ऑलरेडी हो गया था फादर्स डे का, बट वी कुड नॉट सी हर फादर देयर. और अचानक चिल्लाते हुए मेरे पास आई भाग के, कनीज उसका नाम है, चिल्लाते हुए भागते आई और बोले कि अब्बू आ गए हैं मैम, अब्बू आ गए.
और तब पूरा नेक्स्ट 1.5 आवर सारे के सारे गेम्स उसके अब्बू ने उसके साथ खेले. तो दैट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, ये बॉन्ड बच्चों के साथ क्रिएट करना, उसके लिए कभी 3 साल, कभी 4 साल, कभी 10 साल भी पूरे लग जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स आर बिजी ना, उनकी उनके लाइफ प्रॉब्लम्स में भी बहुत बिजी रहते हैं. ऐसे नहीं कि उनको टाइम नहीं देना है, बट स्कूल एक माध्यम बन जाता है बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड करना. तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों कर रहे हो पेरेंट एंगेजमेंट? आप इसलिए कर रहे हो कि बच्चे और पेरेंट्स का रिश्ता स्ट्रांग हो. तो इसीलिए वो स्ट्रांग होने के लिए ये एक्टिविटीज हम डिजाइन करते हैं. फिर डांस होता है, बच्चे और पेरेंट्स साथ में डांस भी करते हैं. फिर पेरेंट्स कोरियोग्राफ करते हैं बच्चों का डांस. तो पेरेंट एंगेजमेंट बहुत वंडरफुल एक्टिविटी होती है स्कूल में. हर पेरेंट एंगेजमेंट डे पे एक तो पेरेंट रोके जाते हैं, सो दैट पर्पसली ऐसा सिलेबस तो नहीं बना कि पेरेंट रोके जाना ही चाहिए, नहीं तो सक्सेस नहीं मिलेगा इस प्रोग्राम का, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बट एक रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है कि बच्चों को आपका साथ और आपका कॉन्फिडेंस और आपका विश्वास बहुत जरूरी है, जो शायद हर कोई पेरेंट्स भूलने लगा है आजकल, जानबूझ के नहीं बट बिकॉज ऑफ कंपटीशन एंड ऑल. सो एज अ टीचर माय रिस्पांसिबिलिटी इज टू टेल देम कि व्हाट योर चाइल्ड नीड्स. सो दिस इज हाउ पेरेंट एंगेजमेंट इज डन. एंड सेकेंड एक्टिविटी रेमिडियल एजुकेशन. सो वेन वी वर डूइंग अकेडमिक्स वी रियलाइज कि इतनी मेहनत लेने के बाद ये एक्टिविटी बेस्ड स्टोरी बेस्ड करिकुलम है हमारा, नेचर एजुकेशन है, करने के बाद भी बहुत सारे बच्चे अभी भी कोप अप नहीं कर पा रहे. तो दो चांसेस थे, एक तो लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है, या फिर दूसरा चांस था कि एनवायरनमेंट की वजह से जहाँ से वो आते हैं वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है पढ़ाई का, इसीलिए वो पढ़ाई में कमजोर रह रहे हैं. तो हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे, नहीं है अभी भी, कि हम कोई रेमिडियल कोच रख सके, अच्छी टीचर्स रख सके जो रेमिडियल एक्सपर्ट है. टीचर्स नहीं है बट रेमिडियल में है, और रेमिडियल टीचर्स की सैलरी भी बहुत हाई होती है. सो एज यू ऑल्सो सेइंग कि कभी ना नहीं बोलना है, सोल्यूशन ढूंढना होता है हमेशा. सो आई ओनली लर्न दिस रेमिडियल, आई डिड दिस रेमिडियल ट्रेनिंग, मैंने खुद सीख लिया 1 साल का कोर्स करके. एंड देन मेरी टीचर्स की टीम बनाई और हमने 3-4 टीचर्स मिलके मैंने उनको सिखाया जैसे मुझे आता जितना, और मेरे जो ट्रेनर थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज में. एंड दिस इज हाउ वी मेड अ टीम. और अभी जाके रेमिडियल का प्रॉपर सेटअप है. और खुशखबरी यह है कि 2-3 साल के बाद इवन माई टीचर हु ट्रेंड मी ध्वनि सुतारिया, शी ऑल्सो ज्वाइंड इट एंड नाउ शी इज टेकिंग इट अहेड. शी इज एक्चुअली सपोर्टिंग द कॉज. So this remedial education is a different syllabus where children are taught in a different way and jo performance level pe nahi hote unke grade ke wahan tak unko laya jata hai alag se classes leke, special classes leke. So I feel proud that we have this setup because most of the SSC board schools don't provide this setup. Even international schools, some of them provide this support with additional cost sometimes, but we could do it. So I'm very happy and thankful to people who are supporting. So this is about remedial education and young teachers. आपके वेबसाइट के ऊपर अलग अलग मेथड्स आपने डिफाइन कर दिए हैं. सो जैसे कि आपने बताया कि रेमेडियल प्रोग्राम है, को करिकुलर एक्टिविटी ऑलरेडी चल रही है, यंग एजुकेटर एक अलग कुछ दिख रहा है अभी इसमें, एंड एम्पैथेटिक एनवायरमेंट कुछ मुझे दिख रहा है. यस, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट. सो यंग एजुकेटर बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है. सो यंग एजुकेटर्स में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो सेकेंड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट फर्स्ट स्टैंडर्ड को पढ़ाते हैं, थर्ड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट सेकेंड स्टैंडर्ड को पढ़ाते हैं, तो ये हमारा ऑनगोइंग प्रोग्राम है. हर क्लासेस में से जैसे कुछ बच्चे हैं जिनमें बहुत एनर्जी होती है एंड देर इज सो मच टू गिव, तो ऑलरेडी जिनको उतना जो मिल रहा है ना वो काफी नहीं होता है. तो उन बच्चों के लिए ये प्रोग्राम डिजाइंड है कि ठीक है, अभी तुम्हें ऑलरेडी सब आता है ना, अभी यू गिव इट टू अदर्स. तो इसमें से उनका नॉलेज भी बहुत स्ट्रांग होता है. और सर बच्चे बच्चों की बहुत अच्छे से सुनते हैं. सो हमारे यंग टीचर्स ज्यादा बच्चों से सुनते हैं. यस, और जब यंग टीचर्स क्लास में जाते हैं ना, तो वो ऐसे क्लासेस लेते हैं आपको लगेगा इन्होंने बीएड या डीएड किया है क्या, इतना अच्छे से पढ़ाते हैं. एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम. सो ये कोर्स ऑनगोइंग फुल साल हमारा चलता है यंग एजुकेटर्स का एंड दिस किड्स डेज. एंड सिमिलरली यंग नेचुरलिस्ट भी हमारा प्रोग्राम है. तो यंग नेचुरलिस्ट में नेचर एजुकेशन की पढ़ाई ये करवाते हैं. तो जो बच्चे नेचर में बहुत अच्छे हैं, तो वो 6, 7, 8 और 9 के बच्चे, उनको यंग नेचुरलिस्ट का बैच मिलता है. जैसे बाकी स्कूल में हेड बॉय हेड गर्ल होते हैं, वैसे हमारे स्कूल में हेड बॉय हेड गर्ल है, पर एक और है नेचुरलिस्ट हेड. सो वो जो है पूरे स्कूल का नेचर एजुकेशन के ख्याल रखते हैं. तो 25 स्टूडेंट्स की हमारी बैच है. तो फर्स्ट टू सेवन स्टैंडर्ड को 1 का सिलेबस ये बच्चे पढ़ाते हैं. हम नहीं पढ़ाते अभी, पहले हम पढ़ाते थे, अभी मुझे जरूरत ही नहीं है क्लास में जाने की, ये इतने एक्सपर्ट हो गए कि वो मुझे भी सिखा लेते हैं. फ्रेंड्स, निकिता इतना अच्छा काम कर रही है,
उन्होंने रिवॉल्यूशनरी एक्शन लिए हैं, सिर्फ बोला नहीं है, करके दिखाया है ऋषि वाल्मीकि स्कूल में वन करिकुलम इम्प्लीमेंट करके। तो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का इंटरेक्शन में निकिता इनके साथ कर रहा हूँ। आप सभी लोग ऑनलाइन ये शो लाइव देख रहे हो, कुछ नया डिस्कशन हो रहा है, मतलब अपार्ट फ्रॉम रेगुलर स्टडीज, एसएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ये बोर्ड, वो बोर्ड, सब अलग एक जगह पे रख के हम वन करके जो करिकुलम है वो एसएससी बोर्ड में इन्होंने इंटीग्रेट किया है। सो आई वुड लाइक टू हैव योर कमेंट्स, आपको कैसे लग रहा है जो निकिता ने उनका ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी भी एक्सप्लेन किया है, या उन्होंने उनका वन करिकुलम बनाने का पर्पस मेंशन किया है अभी इस शो पे, तो आपको इसमें क्या अच्छा लग रहा है? आई वॉन्ट यू टू राइट दैट इन कमेंट, जिससे निकिता विल ऑल्सो फील गुड कि हाँ मैं शो पे आके मैंने कुछ बताया और लाइव ऑडियंस ने उसको सराहना और वो उन्होंने कमेंट बॉक्स में मेंशन किया। सो निकिता, वी वर टॉकिंग अबाउट दैट फ्लेमिंगो एक्टिविटी एंड ऑल। सो कृतिका बाला, शी इज सेइंग दिस, द स्किट अबाउट फ्लेमिंगोस इज अ वंडरफुल वे टू टीच एवियन साइंस टू चिल्ड्रन। कॉन्ग्रेचुलेशन। सो कृतिका बाला आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बता रहे, शायद आपकी आंटी है नीलिमा संखे, मराठी में बोल रही है, निकिता कडून खूपच शिकण्यासारखं असतं, ती सर्व गुण संपन्न आहे, मी तिची मावशी, काहीतरी नवीन ज्ञान मुलांना देणे ही ती सर्व मनापासून करते। थँक्यू सो मच नीलिमा मावशी, मी पण मावशीच म्हणतो। ओके नितीन इज सेइंग हाय। अरुणा नायर, वन ऑफ दी यू नो अर्लियर स्पीकर ऑफ माइंड पैराशूट ट्रेनिंग शो, जिन्होंने ट्रेडमार्क आईपीआर के ऊपर बहुत अच्छा नॉलेज इम्पार्ट किया था लाइव शो पे, शी इज सेइंग निकिता इट्स अ प्लेजर सीइंग यू, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल, थैंक यू, थैंक यू। सो देर आर सो मेनी पीपल, इंदु गिरीश इज सेइंग वुड लव टू नो मोर अबाउट दिस मेथड ऑफ स्कूलिंग, यस निकिता इज एक्सप्लेनिंग दैट, एंड आप जरूर उनकी वेबसाइट भी देखिए, शी इज हैविंग ब्यूटिफुल वेबसाइट और उसमें बहुत सारा अच्छा अच्छा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। प्रकाश घाटे इज वॉचिंग एंड गुड इवनिंग, एक्सेलेंट शो बता रहे हैं। आई एम सो ग्लैड माई वन ऑफ द टॉप व्यूअर ऑफ माइंड पर जो ट्रेनिंग लता वेंकट मैडम, शी इज वॉचिंग, शी इज ऑल्सो प्रिंसिपल, आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग निकिता, लता मैडम इज वॉचिंग इट, आई एम सो ग्लैड one principal is watching show of other principal, thank you Lata madam. Nayan Pimple is saying congratulations Nikita, I'm proud of you, great work, wow Nikita. Now again Anita is saying Nikita, my respect for you increases day by day, your teaching methodologies will make kids more confident and ready to face the world with full confidence with a special human touch. So nice, Anita, you are a gem star, rock star, you are connecting with connecting me with many good personalities like Nikita, and that's why our show Mind Parachute is going a different level, we are achieving great heights day by day with your support. Thank you so much Anita being our support. Thank you Anita. So moving forward, on your website, I found one more unique thing. There is one kind of tree. एक tree आपके website पे display है. मुझे इस tree के बारे में कुछ बताइए आप. Total beneficiaries of days 2967. कुछ unique आपने किया है इस tree में. इसके बारे में आप क्या बताएंगे? सर दिस इज ओवरऑल इम्पैक्ट, बेसिकली हम 10 साल से काम कर रहे हैं, पर मुझे ये बात बताने में बहुत प्राउड फील होगा कि मैं 10 साल से कर रही हूँ पर मेरे पिताजी 35 इयर्स से कर रहे हैं। सो ही इज ऑल्सो एन एडुकेशनिस्ट मिस्टर प्रकाश पिंपले एंड माई मदर मिस मिसेस प्रणीता पिंपले। सो मनोरी जो मारवे आपने सुना होगा वहाँ पे उनका स्कूल है जो उन्होंने स्टार्ट किया था मेरे फादर ने अराउंड 27 ईयर्स बैक, और वो आदिवासी लोगों के लिए स्कूल चलाते हैं और 10 साल पहले ये हमने स्कूल शुरू किया। तो वो आप ट्री में जो 2967 देख रहे हो वो बच्चों का नंबर है जो इतने बच्चों तक हम अभी तक पहुंच पाए हैं, मनोरी स्कूल की वजह से भी, गोरेगांव स्कूल की वजह से भी, एंड ऑल्सो ये जो वन प्रोजेक्ट है वो और एक बांद्रा के स्कूल में भी हमने लोढ़ा फाउंडेशन के थ्रू इम्प्लीमेंट किया 2 साल के लिए, तो वहां भी हम 400 बच्चों तक पहुंचे हैं। So, ऐसे हम 2967 बच्चों तक अभी तक पहुंचे हैं, और वो जो राउंड में सर्कल में वो ट्री में जो आप देख सकते हो वो बच्चों का हमारे प्रोग्रेस है। सो जब हमने 10 साल पहले ऋषि वाल्मीकि को स्कूल स्टार्ट किया था तो डे वन पे सिर्फ 9 बच्चे थे सर, और अभी आज 565 स्टूडेंट्स है हमारे स्कूल में,
पूरे नर्सरी से लेके 10th तक. और गर्ल्स, यस, ये मुझे बताने में बहुत दिलचस्पी है कि जब हमने स्कूल शुरू किया था तब गर्ल्स का नंबर बहुत कम था, बॉयज ज्यादा होते थे. और अभी भी आप बहुत सारे लोगों को अभी भी शॉकिंग लगता है कि बहुत सारे स्कूल पेरेंट्स क्या करते हैं कि बॉयज को हमारे स्कूल में डालते हैं और उनकी जो बहनें हैं छोटी या बड़ी उनको बीएमसी स्कूल में डालते हैं क्योंकि वहां पे फ्री एजुकेशन है. यहाँ पे थोड़ी सी नॉमिनल फीस है बट फिर भी फीस दे के अच्छे स्कूल में पढ़ाना है लड़कों को और लड़कियों को नहीं. लेकिन अभी इतने 10 साल के इंटरेक्शन के बाद इतने सारे वर्कशॉप्स होते हैं हमारे पेरेंट्स के साथ, बहुत अच्छा बॉन्ड है हमारा, पेरेंट्स एक फैमिली टाइप है. तो ये जब बॉन्ड और इसकी वजह से इतना वर्कशॉप्स की वजह से चेंजेस है कि अभी 16% ज्यादा लड़कियां है और बॉयज से ज्यादा, मतलब अराउंड 45-46% गर्ल्स है हमारे स्कूल में. सो इट इज ऑलमोस्ट नाउ नियर टू 50%. सो कुछ सालों में शायद 50-50% बॉयज एंड गर्ल्स हमारे स्कूल में हो जाएंगे, जब जहाँ के जब 20-22% गर्ल्स थी पहले. और एक इंसिडेंट अगर मुझे अब टाइम दो तो मैं शेयर करूंगी, बहुत अच्छा. हमारा स्टूडेंट है, जब वो 4th में था, अभी 10th पास आउट हुआ है, हमने शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ाया था. और अगेन थ्रू स्टोरीज, वो टिपिकल बुक्स पढ़ के हम नहीं पढ़ाते, हमने बहुत सारी शिवाजी महाराज की अलग अलग स्टोरीज निकाली है जो शिवाजी महाराज के स्वभाव के बारे में बात करती है जो बुक में नहीं है. तो उसमें जेंडर इक्वालिटी के बारे में था और जब हमने वो पढ़ाया बच्चों को कि कैसे जेंडर और रिलीजन इक्वालिटी शिवाजी महाराज मानते थे, तो मैंने बच्चों को पूछा आपको आजू बाजू में जेंडर इक्वालिटी दिखती है क्या? तब मेरे स्टूडेंट्स ने बोला था नहीं. और सर तब तक मुझे भी नहीं पता था, हाँ तब मुझे बच्चों ने बताया कि मेरी बहन तो बीएमसी स्कूल में पढ़ते हैं और आप हमारे स्कूल में नहीं पढ़ते और हमें ज्यादा अच्छी एजुकेशन दी जाती है बॉयज को, तब मुझे पता चला. तो मैंने उनको ऐसे ही समझाया कि देखो आप पे जिम्मेदारी है, आप खुद सीखो और बहनों को समझाओ. पर ये इंटरेक्शन के बाद 4th स्टैंडर्ड के एंड में जब 5th का एडमिशन शुरू हुआ तो एक लड़के की जो बहन को लेके उसकी मम्मी आई कि मेरा बेटा नहीं सुन रहा है, वो कह रहा है एक तो दोनों साथ में यही स्कूल में जाएंगे नहीं तो दोनों बीएमसी में जाएंगे. और वो स्टोरी इतनी हिट हुई है और इतनी इंस्पिरेशन बनी बाकी पेरेंट्स के लिए. उसके बाद उनकी बेटी अभी अभी भी हमारे ही स्कूल में है, बेटा 10th पास आउट हुआ, अभी बेटी है स्कूल में. सो ये बहुत इंस्पिरेशनल चीज हुई थी जो बच्चे ने की. आप वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत बात कर रहे हैं आपके करिकुलम में, तो मुझे भी एक पूछना है, जो अलग अलग वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है जो आप पढ़ा रहे हैं करिकुलम में, उसमें से ऐसा कौन सा एनिमल है जो आपके साथ रिलेट करता है? एलिफेंट है, एलिफेंट मुझसे बहुत रिलेट करता है. एलिफेंट बिकॉज एलिफेंट्स आर वेरी मदरली. सो एलिफेंट्स जो होते हैं, जो मदर्स सारे एक साथ रहते हैं, फीमेल्स, लड़कियां, फीमेल्स जो होती है, और वो दूसरों के बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह संभालते हैं. और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना प्यार वो सबके बच्चों को देते हैं. तो इसलिए मैं खुद को एलिफेंट से बहुत रिलेट करती हूँ कि मैं अपने बच्चे के साथ, बाकी ये जो बच्चे वो भी सारे मेरे ही है और एकदम सच में मतलब मेरे जैसे. ये जब मुझे नींद नहीं आती, इनको इनकी कोई भी परेशानी होती है. अभी इनका 10th का एडमिशन सब चल रहा है, 11th का. सो आई एम कंप्लीटली इन्वॉल्व. सो यस, दैट्स व्हाई आई रिलेट माय सेल्फ विद एलिफेंट. अच्छा, तो आप जो एक तरीके का करिकुलम इम्पार्ट कर रहे हो, अलग तरीके की चीजें कर रहे हो, हाउ इजी इट इज, मतलब थोड़ा हटके है, मतलब इसका यू नो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए शायद कॉस्ट जरा ज्यादा होता रहेगा और आप सरप्राइजिंगली अलग हटके करके भी आपका जो टारगेट है स्टूडेंट का वो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है. हाउ डू यू मैनेज इट? मतलब दिस इज समथिंग रियली डिफरेंट. थैंक यू सर. सो बेसिकली आई वुड से कि नेचर एजुकेशन के लिए मैं खुद और मेरी टीम मैंने बनाई है जो हमें सपोर्ट करती है. नेचुरलिस्ट है बहुत सारे जो हमें सपोर्ट करते हैं. पोर्शन तो हमने बनाया है, मैं और मेरे टीम मेंबर्स ने पोर्शन बनाया है. और अभी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेरे बच्चे ही तैयार हो गए हैं, तो मुझे अभी किसी और पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता. बट येस, किसी और स्कूल में करना है तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव क्योंकि बहुत सारी कॉस्ट इंक्लूड होती है. बट मेरे स्कूल में येस, मैंने अपने बच्चों को ही इतना ट्रेन कर दिया है कि नाउ दे ओनली कैन टेक इट अहेड. ये एक चीज हो गई. और बाकी सारी जो एक्टिविटीज इतनी सारी होती है, जैसे कैंप्स जाना है, पिकनिक्स जानी है, ये तो पॉसिबल नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है. सो वी रियली डिपेंड ईदर ऑन डोनेशन या फिर एसोसिएशन. तो जैसे वी कीप ऑन टॉकिंग टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. सो अभी हम लोग 3 बार डांग 2 बार डांग गुजरात में जाके आए, तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे उन्होंने हमें सपोर्ट किया. अभी यहाँ पे जो बोरिवली में भी जो हमारे महाराष्ट्र के फॉरेस्ट ऑफिसर है वो भी बहुत सपोर्टिव है.
ये सारे लोग जब अच्छा काम हो रहा है दिखते तो सपोर्ट करते हैं, बस वी हैव टू वेट, मतलब समझो कि हर साल नहीं हो पाता, पर जब भी कभी सपोर्ट मिलता है तो हम थोड़ा सा हमारी तरफ से डोनेशन खड़ा कर देते हैं या सेविंग्स होते हैं वो डाल देते हैं और बच्चों को लेके जाते हैं, क्योंकि बच्चे स्पेंड नहीं कर पाते। फिर बहुत सारे एनजीओ से हम टाइप करते हैं, अभी स्पोर्ट्स के लिए इट इज नॉट पॉसिबल, सो देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन हु हैव टाइप विद अस, सो ऐसे बहुत सारे एसोसिएशन, बहुत सारे लोगों के पास से जो डोनेशन आता है उसी बेसिस पे हो सकता है, क्योंकि फीस में तो इट इज मतलब रेगुलर एजुकेशन भी फीस में पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी हमारे फीस से 6,000 ज्यादा खर्चा होता है हमारा हर बच्चे के पीछे, हर बच्चे के पीछे, सो ऑलरेडी इट इज, बट यस वी आर एबल टू मैनेज, बिकॉज आई बिलीव कि आप कुछ अच्छा काम करते हो तो अपने आप अच्छे लोग आपको सपोर्ट करने आ जाते हैं, और आज तक तो सर हम ऐसे ही 10 साल निकाल पाए हैं। वाह, वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना जब आप किसी भी चीज को सच्चे मन से चाहते तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने के लिए कोशिश साजिश जो भी शब्द है, आई एम वेरी बैड एट रिमेंबरिंग डायलॉग, बट ऐसा कुछ मुझे लगा आपसे सुन के अभी, बट आई ट्रूली बिलीव दिस डायलॉग। वेरी नाइस। अनिता इज सेइंग आई फील सो गुड टू नेम अवर सेकंड सन हु इज 5 years नाउ एज ऋषि। वाओ, सी व्हाट अ कोइंसिडेंस, अनिता जी का जो सेकंड चाइल्ड है 5 साल का, उनका नाम भी उन्होंने ऋषि रखा, और आपके स्कूल का नाम भी ऋषि वाल्मीकि स्कूल है। आई एम फीलिंग सो 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 गुड। कुणाल शानबाग इज देयर, ही सेइंग हाय निकिता, वी फ्रेंड्स हैव बीन टुगेदर फॉर मोर देन 15 इयर्स नाउ, बट अ फ्रेंड हु इंस्पायर्स अस इज यू, यू आर डूइंग एन एक्सेप्शनल वर्क फॉर द सोसाइटी। थैंक यू कुणाल फॉर शेयरिंग सच अ लवली कमेंट्स ऑन दिस लाइव शो। Friends, we are at the end of today's session. Before we end, I humbly request all of you to please subscribe to YouTube channel of Mind Parachute Training. तो आपको निकिता जैसे और अच्छे अच्छे स्पीकर्स को सुनने को मिलेगा। These are all trend setters. ये चेंज मेकर है, कुछ अलग कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग स्पीकर्स हम माइंड पैराशूट ट्रेनिंग पे शो पे लेके आते हैं, और उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप हमारे फेसबुक का जो पेज है माइंड पैराशूट ट्रेनिंग उसको फॉलो करोगे या यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करोगे। निकिता, बिफोर वी एंड टुडे शो, योर लास्ट शॉट। आई वांट टू टेल पीपल दैट इफ यू वांट टू मेक अ डिफरेंस इन द सोसाइटी then you can definitely do it. If you're willing to make a difference, you can definitely do it. If you are willing to do it any time, like people come across and support you. So this is what I have learned in my 10 years of journey with Rishi Valmiki Eco School, that nothing is impossible. It's just willingness is important. And there are a lot of children outside need us. There are many kids, means I'm not enough. I'm surely not enough for, I have able to reach up to only 567 children, but I can see there are many other children who need us. So we have to come together to support our kids and every child in our country. And support us, support Rishi Valmiki Eco School. That's what I want to say. Wow, that's an amazing thought. Friends, with this, we are about to end today's show. I request all of you to please contact Nikita Pimple to practically experience what she's doing immediately after the lockdown is over, pandemic is over. Connect with her on her email ID nikita@rves.org and or 9664737308. She is such a talented, founder and principal. So at such a young age, she is doing such a notable job. Awards bhi unko mila hai game changer ke liye aur green education age karke. So she is too good. Connect with her and moreover, support the cause. Help her to continue her journey, her mission of creating greener generation. That's very important. So thank you so much for watching this show. By taking today's last comment, Anita Nair, it will be our pleasure to support Nikita in any way possible towards this good cause. Thank you, Anita. Thank you, Nikita. Thank you all live audience for watching this show regularly and loving us.
And please help Rishi Valmiki School. Check the website. Connect with her on email. Thank you so much. Thank you, Nikita, for coming on this live show. Thank you, sir. Thank you so much.